इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे तो उनकी टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओस के साथ एक राउंड टेबल टॉक हुई है। यानी कि अमेरिका जाकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी कर रहे हैं, वो बिजनेस भी देख रहे हैं। कौन कर सकता है इस तरह, सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, जो दो इम्पोर्टेंट चीजें तीन पाकिस्तान कह रहा है, एक तो कह रहा है हमारे कर्जे माफ करो, हमें कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर, दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया था, तीसरा वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से लड़ते रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान किया, तो हमें इन कर्जों से निकाला जाए। कभी चाइना से, कभी सऊदी अरब से, कभी अमेरिका से बात कर रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा दे दीजिए और खुद काम करने की आदत जो है वो ना गवर्नमेंट में रही है और ना ही आम पब्लिक में रही है। सलमान साहब, वी आर बीइंग टोल्ड के ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। डू यू अग्री विद दैट? नहीं, आई डोंट थिंक ये सही बात है। पहली बात मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है कि लिबनान में या सीरिया में क्या हो रहा है? तो आपको किसने ये मैंडेट दिया कि आप अपने काम छोड़ के तो जाके कभी UN में खड़े हो जाते हैं? Who the hell you are? क्या एक इमेज और मैसेज क्रिएट कर दिया है कि दोनों PM एक साथ, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ इंडिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APGAN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की US यात्रा और उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि अभी भी US के अंदर हैं, उस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, जिससे तो यही लगता है कि जो एक कहावत है, कुत्ते की दुम को कितनी भी सीधी कर लो, लाख कोशिश कर लो, लेकिन वो टेढ़े की टेढ़े ही रहती है। उसकी वजह यह है कि जो दुनिया के लीडर्स UNGA के लिए अमेरिका गए थे, सब ने अपनी अपनी बातें की, किसी ने टेक्नोलॉजी की, किसी ने फ्यूचर की, किसी ने इकॉनमी की, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उसके साथ ही पाकिस्तान जैसे सोच रखने वाले एक दो देशों के PM ने भी वही राग अलापा जो अब तक वो पिछले 60-70 सालों से अलापते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है, इस दफ़ा फिर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया के आगे गुहार लगाई है कि बकौल पाक PM कश्मीर और गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और उसके साथ साथ पाक PM ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज चढ़े हैं उससे पाकिस्तान की तरक्की रुकी पड़ी है, इसलिए दुनिया पाकिस्तान के कर्जे को माफ करे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लट्स वीडियो। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के CEOs के साथ एक राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की, दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह, सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। देखिए, शहबाज शरीफ गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे CEOs उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको ये बताती हूँ, PM मोदी मीट्स टेक CEOs इन न्यूयॉर्क, डिस्कसेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर CEO IBM अरविंद कृष्णा, लिजा सुचेर, CEO AMD नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना, होस्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स रेंजिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स टू बायोटेक्नोलॉजी, वेयर दे डिस्कस द पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज इंडिया हैज टू ऑफर। Among those who took part at the CEO roundtable were Chairman, President and CEO Adobe, Shantanu Narayan, CEO Google Sundar Pichai, CEO IBM, जो मैंने सारे नाम बताए वो। बल्कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये सुनवाती हूँ कि वहां पर कहा क्या है। ये सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए, सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना, तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया। इतनी बार तो हम भी नहीं लेते, इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया। प्राइम मिनिस्टर हैज बीन फोकस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज डिजिटल इंडिया विजन, ही पुश्ड अस टू कंटिन्यू मेकिंग इन इंडिया, डिजाइनिंग इन इंडिया, वी आर प्राउड टू नाउ मेक आवर पिक्सल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ही इज रियली थिंकिंग अबाउट हाउ AI कैन ट्रांसफॉर्म इंडिया इन अ वे दैट बेनिफिट्स द पीपल ऑफ इंडिया। It challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture. He's also thinking about the infrastructure of India.
अब आपने देखा उनकी हर सेंटेंस में सुंदर पचाई की हर सेंटेंस में इंडिया था। और क्या बात हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज, इंडिया आएंगी सब टेक्नोलॉजीज, ये बात की उन्होंने। मतलब देखिए हमारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी जबरदस्त वो है। इससे ये पता चलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है वो सारे टॉप जो कंपनीज है दुनिया की उनको बुलाता है, कहता है मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही है और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। अनबिलीवेबल, ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, मतलब यही होगा ना कि ये सैलाब के ऊपर पैसे मिल जाए, ऑब्वियसली मिलने भी चाहिए, वहां पे बड़ी जो खराबी बरूबी आई हुई है, बहुत ज्यादा तबाही हुई है पाकिस्तान के अंदर सैलाब से, लेकिन इससे क्या होगा, मुल्क थोड़ी तरक्की करता है भीख के पैसों से या ये कर्जे के पैसों से या चले चैरिटी दे दे, इससे भी मुल्क नहीं तरक्की करता। पाकिस्तान के वजीर आजम इस वक्त यूएन जनरल असेंबली में है, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कोई खड़ाक नहीं, कोई स्वाद नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे वो पता चले कि पाकिस्तान का दुनिया के इश्यूज पे क्या मौकफ है। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या बात होगी, जो दो इम्पोर्टेंट चीजें तीन पाकिस्तान कह रहा है, एक तो कह रहा है हमारे कर्जे माफ करो, हमें कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे ऊपर, दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई कोरोना आ गया था, तीसरा वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी से लड़ते रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान किया तो हमें इन कर्जों से निकाला जाए। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल लिसन अस एट दिस टाइम? देखें जी, इस सवाल के तीन जवाब हैं। एक तो ये है कि जब ये कर्जा माफ होने का वक्त था तो वो था कोविड के दौरान, जो दुनिया में डिप्लोमेटिक मैनेवरिंग हो रही थी उस दौरान जो दो तीन इजलास हुए यूनाइटेड नेशन में, उसमें ये इसका एको आपको सुनाई दिया होगा कि अगर कोई मुल्क किसी मुसीबत में आता है तो उसके अंदर सियासतदानों के बजाय बदमाशों ने कब्जा नहीं किया हुआ है तो उसकी दिल खोल के जो है हमायत करो। आपके सियासतदान जो रूलिंग एलीट थी उसने उस वैन की तरफ हटके ही नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि इस कायनात में हमसे ज्यादा स्मार्ट आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लात मार दी। अब जो आपके प्राइम मिनिस्टर जाके बात कर रहे हैं वो भी टोटली इरेलीवेंट है। पहली बात मुझे ये बताएं कि ये शहबाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम है कि लेबनान में या सीरिया में क्या हो रहा है, आप मुझे बता दें, मैं 10 मिनट बैठ के सुनता हूँ। किस किस मुसीबत में फंसा हुआ है ये आदमी, 22 करोड़ आदमी जो है वहाँ दलदल में है, लोग जो है वो जिंदगी गुजारने से आजिज आ गए हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, उनके किसी मसले की तरफ कोई इशारा तक नहीं करता। कितनी आबादी है जी लेबनान में, फलस्तीन में कितनी आबादी है, और उनको आप कंपेयर करके देखें तो आपका सिटी ऑफ रावलपिंडी मुमकिन है उन दोनों को क्रॉस कर जाए। तो आपको किसने ये मैंडेट दिया कि आप अपने काम छोड़ के तो जाके कभी यूएन में खड़े हो जाते हैं? हु द हेल यू आर इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ये तो क्लियर करें। दूसरा, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के जरा टेबल पे रखें कि आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, टेंथ वगैरह वगैरह रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस।